देशात अनेक ठिकाणी लहान लहान कारणावरून जातीवाद व धार्मिक मतभेद नेहमी बघायला मिळतात, परंतु दिग्रस येथील मुस्लिम तरुणांनी मात्र जातीय एकतेचा आगळा वेगळा संदेश द्विगुणित केला आहे. नगरसेवक सय्यद अक्रम सय्यद उमर या मुस्लिम तरुणाने हिंदू रीतिरिवाजाने एका हिंदू महिलेचा अंत्यसंस्कार केला आहे. दिग्रस येथील मुस्लिम तरुणाने हिंदू रीतिरिवाजाने एका हिंदू महिलेचा अंत्यसंस्कार करत एकतेचा संदेश सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवलेला आहे. नगरसेवक सय्यद अक्रम सय्यद उमर यांच्या मित्राचा त्यांना फोन आला होता. त्यांचे मित्र सुजित जाधव हे दिग्रस पोलीस ठाण्यात कार्यरत असून त्यांनी एका महिलेने आत्महत्या केल्याचे सय्यद उमर यांना सांगितले, परंतु मृत महिलेच्या नातेवाईकांची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसल्यामुळे अंत्यसंस्काराचा खर्च उचलता येणार नसल्याची माहिती सुजित यांनी सय्यद उमर यांना दिली. यावर त्यांनी या महिलेचा हिंदू रीतिरिवाजाने अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्यांनी या अंत्यसंस्काराचा पूर्ण खर्च उचलून सर्व नागरिकांसाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे. मैं नगर सेवक सय्यद अक्रम सय्यद उमर. मेरे एक मित्र का फ़ोन आया जो दिग्रस पुलिस स्टेशन में कार्यरत है, जिनका नाम है सुजीत जाधव. उनका यह कहना था कि दिग्रस के पाटिल नगर में एक महिला ने सुसाइड की है जो वड़गांव में रहने वाली थी. उनके रिश्तेदार सरकारी अस्पताल में पहुंच चुके हैं, बॉडी का पीएम होना है, लेकिन उनके रिश्तेदारों का यह कहना था क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो उसके अंत्यविधि का खर्च उठा सके. मैंने तुरंत सुजीत जाधव से कहा कि मैं बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ उस बॉडी का अंत्यविधि करने के लिए तैयार हूँ और पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ. मैं तुरंत वहाँ गया, पीएम की बॉडी को लेकर हिंदू शमशान भूमि में बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से उस महिला का दफन विधि किया. उसे अग्नि दी, उसके बेटे ने अग्नि दी. और रही बात इस अंत्यविधि की, तो मेरा मज़हब मुझे यही सिखाता है कि हमेशा मज़लूम का साथ दिया जाए, उसमें जातिवाद जातिपात धर्म का आधार न लिया जाए और धर्म को न देखा जाए. मैंने उनके रिश्तेदारों पर उस महिला पर कोई एहसान नहीं किया. मैंने जो मेरा मज़हब सिखाता है बस वही किया. शुक्रिया.